ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। एंड गाइस आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम पे इस टाइप की फोटो कितनी ज्यादा वायरल हो रही है गाइस, तो आप सभी का मेरे को इसी के लिए एक डीएम आया था कि भाई आपकी इस टॉपिक के ऊपर अब तक एक भी वीडियो नहीं आई है, तो गाइस मैं आप सभी का डिमांड पर ये वीडियो लेकर आया हूं। सो गाइस आप सभी को बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस जब आप लोग इस कॉन्सेप्ट के लिए अपना फोटो शूट करोगे तब गाइस आप सभी को दो चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आप सभी को गाइस पहली चीज तो यार आपको मतलब कि व्हाइट या ब्लैक कलर के आप कपड़े नहीं पहनने हैं, ठीक है गाइस, ये दोनों कलर के कपड़े नहीं पहनने आपको, व्हाइट और ब्लैक। एंड गाइस आपका जो दूसरी चीज क्या है कि आपका जो मतलब की कॉन्सेप्ट जब आप फोटो शूट करोगे तो आपका जो पैंट और शर्ट है दोनों गाइस एक ही कलर का होना चाहिए, ठीक है, और रेड मतलब की ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कलर छोड़ के आप किसी भी कपड़े में फोटो क्लिक करवा लेना। बाकी आप सभी को जो इसमें कलर देना अपने कपड़े को मैं आगे वीडियो में बताऊंगा एंड कैसे करना सब कुछ बताऊंगा। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसलिए वीडियो देखने वजह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आप सभी को करना क्या है गाइस, आप सभी को पहले यहाँ से चले जाना है गाइस यहाँ से आपको पहले ड्रॉ टूल में, ठीक है। ड्रॉ टूल का काम आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे आप सभी को ड्रॉ टूल में जाने के बाद पहले आप सभी को जाना है एड फोटो में। एड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से पहले आप सभी को अपने मॉडल को लेना है, ठीक है। एंड गाइस इसमें आपको कलर जो करना है गाइस आपको मॉडल के ऊपर एकदम इजी स्टेप में बताऊंगा। एंड आप भी अभी कुछ भाइयों को लग रहा होगा मैं ड्रॉ टूल में बताऊंगा, बट गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप सबको यहाँ पे सिर्फ आपको मॉडल ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ। एंड गाइस वो किस लिए बोल रहा हूँ वो भी मैं आप सबको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस पहले आपको मॉडल को अपने कुछ स्टेप्स ऐसे लगा लेना है यहाँ पे, ठीक है। एंड मॉडल को लगाने के बाद आप सबको फिर क्या करना, आपको पहले देख लेना कहाँ पे लगाना आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप सबको क्या करना, आपको जाना है ऐसे लेयर में एंड आपको ये नीचे वाली जो बैकग्राउंड है उसको ऑफ कर देना है। एंड यहाँ पे गाइस आप सभी को अपने मॉडल को सेव कर लेना है। एंड गाइस यहाँ से आपको यहाँ से चलना है बैक, ठीक है, डिस्कार्ड करके बैक चलना है। एंड गाइस उसके बाद आपको क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ले लेना उसी मॉडल को जो आपने सेव किया था। बट अभी आप में से किसी भाई को लग रहा होगा कि यार ये तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट ये मैंने क्यों कराया वो मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस आपको जाना एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद जाना आपको ह्यू में। ह्यू में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ढूंढ रहे हैं आपको ये जो बैकग्राउंड में आपकी कलर है गाइस जैसे कि ग्रीन टाइप का, ठीक है। तो आपको एक कलर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 43 पे, -43 पे। देन गाइस आपको जाना है ऐड फोटो में दोबारा से। एंड गाइस अब आप सब लोग समझ गए होंगे कि गाइस ये मैंने आप सभी को क्यों सेव करवाया था वैसे फोटो, क्योंकि गाइस आप जब अगर यहाँ से डायरेक्ट फोटो को लेते तो गाइस आपको जो है ऐसे मतलब आपके मॉडल से मिलाने में आपको ज़्यादा मुश्किल होता है एंड आप नहीं मिला पाते, ठीक है। तो आपको ये मतलब कि ये ट्रिक कैसी लगी तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइस आप सबको अब क्या करना, आपको रेजर टूल में जाना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फेस के एरिया के ऊपर आप सभी को अपने सिंपली आपका फेस जो है मतलब कि दूसरे मॉडल जो लिया था हमने उसको सिंपली आपको फेस को यहाँ पे पेंट करके कुछ स्टेप से कर देना है अच्छे तरीके से। एंड गाइस देख सकते हैं आप अब आपको यहाँ पे बैकग्राउंड भी मतलब कि आपका जो ड्रेस है आपकी वो भी चेंज हो चुकी है एंड जो आपका फेस है जो जैसा कलर आपको चेंज था वो भी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, हम इसको फटाफट करते हैं और इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओके गाइस इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली डन कर देना फोटो को। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना, आप सबको जाना गाइस यहाँ से अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको जो गाइस 456 वाला जो नंबर है गाइस आप सबको सिंपली लेना है। एंड गाइस यहाँ से आप सबको जाना इफेक्ट वाला ऑप्शन में। इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ से जाना कलर्स में। कलर्स में जाने के बाद आपको गाइस नेगेटिव वाला ऑप्शन ले लेना है। एंड गाइस इसको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। एंड डन कर देने के बाद आप सबको गाइस क्या करना है, यहाँ पे गाइस थोड़ा सा मॉडल है जो मेरा गाइस जिसके थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस नहीं है, आप सभी को थोड़ा स्पेस छोड़ना अपनी टी शर्ट के पास जो भी आपने पहना होगा। एंड उसके बाद आपको सिंपली अपने चेस्ट के पास कुछ स्टेप्स लगा के एंड इसकी ओपोसिटी यहाँ पर आपको कम कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सबको दोबारा से इसी पीएनजी को लेना है। एंड गाइस कुछ साइज इतना रख लेना है। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर करना, आपको रेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, इसका डुप्लीकेट कर लेना है। देन गाइस आपको सिंपली ऐसे रोटेट करना है, ठीक है। एंड रोटेट करने के बाद आप सबको सेम स्टेप क्या करना है, आप सभी को आप सबको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस जो आपने नेगेटिव लिया था गाइस उसके बगल में आप सभी को जो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको इसका माउंट जीरो कर देना है एंड ये ब्लैक हो जाएगा एंड आपको डन करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको इसके दो नंबर है जो गाइस कोई से भी आप मतलब की स्टार्टिंग है जो भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। एंड आपको क्या करना है उसके बाद मैं आप सबको बता देता हूँ, आपको सिंपली यहाँ पे कुछ स्टेप्स इतना साइज रख लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाकर आपको जो साइड का एरिया है उसको सिंपली इरेज कर देना है, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि हमारी जो है टी शर्ट के अंदर है।
ओके गाइस, तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है गाइस, ओपेसिटी भी आप सबको यहाँ पे कम रख लेनी है, ठीक है। जो ये आपको पीएनजी दिया मैं नंबर का, इसका भी ओपेसिटी कम रख लेना है। एंड गाइस उसके बाद आपको फिर यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। अब गाइस आप सभी की बारी आती है गाइस, यहाँ पे ऐड फोटो में जाके एक पीएनजी की और जो कि ये ब्लैक शीट, आपको कैसे करना है कि आपको उसका शेडो बनाना है। एंड शेडो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। रेजर टूल में जाकर आपको इन्वर्ट कर देना है एंड साइज अपने अकॉर्डिंग रख लेना। एंड गाइस आपको फोटो को जूम करना है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको सिंपली गाइस यहाँ पे पहले तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे कि मतलब ये वाली लाइन ऐसे इस टाइप की एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड उसके बाद उसको आपको अंदर से पूरा फील कर देना है कुछ इस टाइप से। एंड इतना कर देने के बाद आपको सेम चीज़ यही करना है आपको दूसरे वाले पैर पे भी, ठीक है। तो अभी तो गाइस थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको फोटो को देख के, बट गाइस अभी हम जब इसकी ओपेसिटी कम करेंगे एंड गाइस जब आप सभी को इसका रिजल्ट दिखेगा तो आप भी चौंक जाओगे एंड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ये। तो अभी हम इसको ऐसे कर लेते हैं सेम चीज़। एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे डन करना एंड इसकी ओपेसिटी यहाँ पर आपको कर देनी है कम। एंड आप देख सकते हो गाइस कितनी अच्छी टाइप की हमारे यहाँ पे शेडो बन चुकी है। अब गाइस क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे वापस से इरेजर टूल में, ठीक है, क्योंकि गाइस जो हमारे पैर के ऊपर जो एरिया आ रहा है हमें उसको इरेज करना पड़ेगा ना, तभी तो रियलिस्टिक लगेगा। तो अभी हम यहाँ से इरेजर लेते हैं। इरेजर लेके आपको सिंपली ऐसे इरेज कर देना है एंड अच्छे तरीके से एकदम प्यार से। एंड कुछ स्टेप से इरेज करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस आगे का प्रोसेस, आप सबको सिंपली यहाँ से डन वाला ऑप्शन में क्लिक करके डन करना है। तो अभी तक देखिएगा एकदम मस्त हमारी फोटो अभी यहाँ पे हो चुकी है अभी, लेकिन हमारा और भी पीएनजी लगाना है अभी हम यहाँ पे। तो ऐड फोटो में जाएंगे एंड यहाँ से गाइस आपको ये लेना है डस्ट का पीएनजी, ठीक है। तो आप सभी को अभी दिख रहा होगा कि यार ये तो दिख ही नहीं रहा पीएनजी, तो इसका काम किया है। तो गाइस मैं अभी आप सभी को सब कुछ दिखाऊंगा। तो पहले आपको कुछ स्टेप्स ऐड करना है एंड इसको कुछ थोड़ा सा लंबा कर देना है, पिंच कर देना ऊपर से। एंड गाइस आप सभी को मैं दिखाता हूँ ओपेसिटी ऑन ऑफ करके, तो देख सकते हैं गाइस ये आप, ये गाइस बिफोर एंड ये आफ्टर। तो गाइस देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आया इससे। तो अभी हम गाइस क्या करेंगे, अभी हम इसको डन कर देंगे यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से। अब गाइस हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे एंड इसकी करेंगे हम कलर करेक्शन। तो हम लाइट रूम में इसको ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैंने इस फोटो को ओपन कर लिया है। अब गाइस जाना आपको इस लाइट वाले ऑप्शन में, आपको इसका थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, हाईलाइट बढ़ा देना है एंड शेडो बढ़ा देना है यहाँ पे, ठीक है। शेडो भी बढ़ा देंगे एंड वाइट बढ़ा देंगे थोड़ा सा एंड जो ब्लैक है गाइस यहाँ पे हम इसको कम कर देंगे, ठीक है, ब्लैक थोड़ा कम कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, हम इसकी वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को हल्का कम कर देंगे। एंड ऐसा गाइस जाएंगे हम कलर मिक्स में। सो कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर लेना है, इसका सैचुरेशन आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग माइनस करना है, ल्यूमिनस भी अपने फेस के अकॉर्डिंग बढ़ाना है। देन जाना आपको ग्रीन कलर में, आप फोटो का ह्यू चेंज कर सकते हो, मतलब कि जो आपकी जो ड्रेस है उसका भी ह्यू चेंज कर सकते हो। ब्लू कलर में जाके आप इसका ह्यू चेंज कर सकते हो, ठीक है, आप जैसे मर्जी चाहो वैसे ह्यू चेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो हम इतना रख लेते हैं एंड इतना कर देने के बाद आप सबको सिंपली करना है गाइस, आपको यहाँ पे से कर देना है डन। सो अब जाना है गाइस आपको कलर्स के नीचे वाले एक टूल में, ठीक है, जो नीचे टूल दिखता है आपको, एंड इसकी जो क्लियरिटी आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस विग्नेट जो आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है गाइस, इस फोटो में अगर आप विग्नेट नाइट भी डालोगे तो चलेगा, बट गाइस थोड़ा वो डाल लेना, थोड़ा अच्छा लगता है फोटो में। फिर आपको उसका थोड़ा ग्रेन अमाउंट बढ़ा देना है। फिर जाना नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस है आपको उसको इंक्रीज करना है, नोड रिडक्शन को बढ़ा देना है एंड जो कलर नोड रिडक्शन है आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आपको जाना है सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है एंड गाइस कुछ नीचे की टाइप से आपको कुछ इस टाइप से लिख रहना है। एंड गाइस आपको जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में एंड इसकी क्लियरिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देनी है एंड थोड़ा सा जो टेक्सचर है इसमें थोड़ा सा इसको हम यहाँ से माइनस की तरफ कर देंगे, ठीक है, हल्का सा, परफेक्ट है। अब वापस से हम प्लस पे क्लिक करेंगे, सर्कल वाला ऑप्शन लेंगे, अपनी बॉडी के ऊपर रखेंगे कुछ इस टाइप से एंड गाइस का हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली हमारी फोटो का रिजल्ट आ चुका है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिख गुड बाय।